बंधु और बहनों में अधिक लंबी चर्चा नहीं करूंगा। हालांकि भगवान महावीर के वाणी की अगर हम चर्चा करें, भगवती सूत्र में एक शब्द आता है अफूष्मान गति, उसकी व्याख्या की गई यहां पर है और वहां है, बीच में अस्तित्व नहीं है। आपकी ये जो फैक्स प्रणाली है ना, आप एक कागज यहां से डालते हो और वो का वो वैसा ही कागज चित्र सहित जो है लंदन में भी उतर आएगा और आप जयपुर भेजोगे तो जयपुर में भी निकल आएगा उसी समय। ये सारा क्या है? मैं जो बात कहना चाहता हूं कि हमें एक ऐसे महापुरुष के बताए हुए मार्ग पर चलने का अवसर मिल रहा है। ये अलग बात है कि कालांतर में हमने कुछ उन्हीं के सिद्धांतों को अपने अपने ढंग से मंडित कर दिया, जबकि भगवान महावीर का दर्शन इतना असांप्रदायिक दर्शन है, इतना साइंटिफिक दर्शन है और इतना रिलेवेंट है आज के मौजूदा युग में। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, इस समय दुनिया की तीन बड़ी समस्याएं मानी जाती है, एक है हिंसा और आतंकवाद, दूसरी समस्या है क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की, ग्लोबल वार्मिंग, और तीसरी बड़ी समस्या है गरीबी की, अभाव की, असमानता। और इन तीनों ही समस्याओं का अगर एक जगह कहीं समाधान मिलता है तो वो तीर्थंकर महावीर की वाणी में मिलता है। इसलिए आज समूचा विश्व जो है जैन सिद्धांतों के प्रति, भगवान महावीर के दर्शन के प्रति, छोटी छोटी अगर मैं बातें करूं आपसे, हमारे यहां पर विधान है कि सूर्य से पहले भोजन कर लेना चाहिए। ये हमारे मेरे पास में डॉक्टर बैठे हुए, आजकल डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल साइंस कहता है कि सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। अब कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, भगवान महावीर ने शाकाहार पर बल दिया था। और अब केवल शाकाहार नहीं, ये जिस देश से आए हैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भ्रमण करता रहता हूं यूएसए में, अपने 70 सेंटर है, आज हजारों की संख्या में, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में वहां के मूल के गोरे लोग वो वीगन बनते जा रहे हैं, जो कि वेजिटेरियन से भी आगे की बात, शाकाहार से भी एक कदम और आगे की बात है। जिसको अगर जैन दर्शन से तुलना करूं, हमारे यहां पर विगर का वर्जन है, मैंने करती हो ना, विगर मक्खन दूध घी आदि विगर का है ना, वे लोग डेयरी प्रोडक्ट्स ही यूज नहीं करते हैं। इस तरह से हजारों हजारों गोरे आज की तारीख में वीगन बन गए और बनते जा रहे हैं। भगवान महावीर का कितना है सांप्रदायिक दृष्टिकोण मुझे बताया गया, अभी अध्यक्ष जी ने नीचे बताया कि हमारे यहां पर इस दिन पर संध्या के समय नवकार मंत्र का, नमस्कार महामंत्र का इतना सुंदर क्रम चलता है। मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि बताइए नमस्कार महामंत्र में किसको नमस्कार किया गया? क्या नमस्कार महामंत्र में महावीर को नमस्कार किया गया? क्या नमस्कार महामंत्र में ऋषभ को नमस्कार किया गया? क्या नमस्कार महामंत्र में भगवान पार्श्व या अरिष्टदेवी को नमस्कार किया गया? नमस्कार महामंत्र को मात्र इतना कहता है नमो अरि अंतारम, अरि यानी दुश्मन और हंत यानी नष्ट कर दिया। जिसने भी अपने आंतरिक दुश्मनों को, कौन से दुश्मन, जो क्रोध के रूप में, जो मान के रूप में, जो माया के रूप में, जो लोभ के रूप में, जो राग द्वेष के रूप में है, जिसने भी इन दुश्मनों को नष्ट कर दिया, वो चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, महावीर हो, और चाहे जो है ये स्वामी जी हो, उन सबको इस नमस्कार महामंत्र में प्रणाम किया गया, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं किया। तीर्थंकर महावीर का दर्शन कितना असांप्रदायिक है, ठाणेन सूत्र में 10 प्रकार के धर्म का विधान मिलता है, 15 प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ सिद्ध। मैं और अगर सरल बात करूं, 10वें कालिक आगम का एक सूत्र है, उत्तराधन आगम में, कषाय मुक्ति किल मुक्ति, मुक्ति का अधिकारी कौन है? महावीर की वाणी के अनुसार न मुक्ति का संबंध न देश से है न वेश से है,
जिसने भी कषाय को जीत लिया, जिसने भी राग द्वेष को जीत लिया, जितने आसक्ति को जीत लिया, वो मुक्ति का अधिकारी है। भले ही वो इस्लामाबाद में जन्म ले, किंतु अगर उसकी भावी भावधारा पवित्र है, निर्मल है, कषाय मुक्ति है, ये मैं लोकेश मुनि कुछ नहीं कह रहे, तीर्थंकर महावीर कह रहे हैं, कषाय मुक्ति किल मुक्ति है। और अगर कषाय मुक्ति नहीं है, ये लोकेश मुनि जी महाराज भले रजोन ले लो, पात्र ले लो, कुछ भी कर लो, समय शिखर पे जन्म ले लो, पाली तला में ले लो, गिरनार पर ले लो, तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि अगर लोकेश मुनि के भीतर का कषाय अगर नहीं गया तो वो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, आपके ऊपर नहीं ले रहा हूं।